प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार देश की बागडोर संभाल ली। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रधानमंत्री मोदी और उनके साथ 57 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ लेने वाले मंत्रिमंडल में मध्य प्रदेश के हिस्से में 5 मंत्री आए हैं। आइए आपको बताते हैं कि मध्य प्रदेश के किन किन सांसदों को कौन कौन सा मंत्री पद मिला है। नरेंद्र सिंह तोमर, राज्य के मुरैना संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित नरेंद्र सिंह तोमर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में स्थान दिया गया है। उन्हें कृषि और किसान कल्याण मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री बनाया गया है। तोमर लगातार दूसरी बार लोकसभा में पहुंचे हैं। इससे पहले तोमर 2 बार विधानसभा चुनाव जीते और शिवराज सरकार में मंत्री रहे। थावरचंद गहलोत, राज्य में दलित वर्ग का चेहरा थावरचंद गहलोत एक बार फिर केंद्रीय मंत्री बने। उन्हें सामाजिक न्याय मंत्रालय दिया गया है। इससे पहले गहलोत राज्य सरकार में 1990 से 1992 तक मंत्री रहे। वे 3 बार लोकसभा सदस्य रहे। पिछली सरकार में गहलोत सामाजिक न्याय मंत्री रह चुके हैं। धर्मेंद्र प्रधान, उड़ीसा से नाता रखने वाले धर्मेंद्र प्रधान को पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा इस्पात मंत्री बनाया गया है। वह इस समय मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य हैं। प्रहलाद पटेल, मोदी मंत्रिमंडल में इस बार दमोह संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित प्रहलाद पटेल को भी जगह मिली है। उन्हें संस्कृति मंत्रालय तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। फग्गन सिंह कुलस्ते, नवगठित सरकार में आदिवासी वर्ग के फग्गन सिंह कुलस्ते को भी मंत्री बनाया गया है। उन्हें इस्पात राज्य मंत्री बनाया गया है। कुलस्ते 1 बार विधायक रहे हैं और 5वीं बार मंडला संसदीय क्षेत्र से चुनाव जीते हैं।